17 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स सब्जेक्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि वो प्राइवेट जो स्टेक होल्डर है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके साथ मिलकर इंडिया में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उनकी स्थापना करेंगे। अब हम पहले ये जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरीके से काम है वो करते हैं। देखो, हम बात करते हैं 1990 के टाइम की। 1990 के टाइम पे गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें ओमान या आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें आपको पता है पेट्रोल पाया जाता है, बेसिकली में पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। तो उन कंट्रीज के बीच में एक वॉर सा छिड़ गया था, एक आपस में लड़ाई सी हो गई थी। तो इसकी वजह से इफेक्ट ये हुआ कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से एक्चुअली बाहर अदर कंट्रीज में ऑयल का जो एक्सपोर्ट वगैरह वो कम होने लग गया। मतलब आप जानते हैं कि इंडिया वो ऑयल का ऑब्वियसली इंपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली मतलब इंडिया के अंदर ऑयल वगैरह है, उसकी डिमांड तो बढ़ गई और सप्लाई हो गई कम। ये दिक्कत आ गई 1990 के टाइम पे। तब इंडिया को रियलाइज हुआ कि यार हमारे पास अगर पहले से कोई स्टोरेज या रिजर्व होते तो हम उसका ऑयल वगैरह यूज है वो कर सकते थे। और हमारे देश में एक तरीके से जो वोलेटिलिटी प्राइस की होती है या फिर जो भी समस्या आ रही है पेट्रोल डीजल की, उससे हम निपट सकते थे। उसी तर्ज पे 1998 में गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। तो देखो, उस टाइम पे तो केवल गवर्नमेंट है वो खुद ही बना रही थी, मतलब गवर्नमेंट ने जगह जगह पे स्टोरेज बनाने की एक तरीके से स्टार्टिंग की, ताकि वहां पे पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल है उसको स्टोर किया जा सके और फिर जब भी जरूरत हो इमरजेंसी में तब उसको यूज वो किया जा सके। क्योंकि देखो, इंडिया है वो अपनी जितनी भी डिमांड है उसका लगभग 80% जो ऑयल है वो बाहर से इम्पोर्ट करता है, बाकी 20% ऑयल है वो इंडिया से मैनेज किया जाता है, मतलब इंडिया में प्रोड्यूस होता है, बाकी 80% इंडिया को गल्फ कंट्रीज होगी, चाहे आप ओमान ले लो, चाहे ईरान ले लो, चाहे इराक ले लो, वेनेजुएला ले लो, इन अदर कंट्रीज से बेसिकली इम्पोर्ट है वो किया जाता है। तो जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ये बेसिकली एक तरीके का इमरजेंसी क्रूड ऑयल रिजर्व होगा। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें बड़े बड़े एक तरीके से टैंक बनाएगी, या तो जो सुरंग होती है आपको पता है माइनिंग वगैरह होती है, उनके अंदर पेट्रोल को रिजर्व करेगी, क्रूड ऑयल को, ताकि जब भी हमारे देश में ऑयल की डिमांड हो और बाहर से हमें ऑयल नहीं मिल पा रहा हो तो उस कंट्रीज में ऑयल का यूज है वो किया जा सके। तो अभी गवर्नमेंट का ये प्लान है कि लगभग 6.5 मिलियन टन का रिजर्व है वो बनाया जाएगा। तो उसको लेके गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि उन्हें जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट जो बिजनेस वाले लोग हैं, इनसे भी पैसा लेके इनको भी साथ मिला के स्टोरेज बनाए जाए, ताकि अच्छे से काम है वो किया जा सके और गवर्नमेंट का पैसा भी बच जाए। अभी देखो, बेसिकली इंडिया में तीन जो आप बोल सकते हो कि पेट्रोलियम रिजर्व है, जहां पे बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिजर्व है वो किया जाता है। एक तो है पुदूर और एक है विशाखापट्टनम और एक है मैंगलोर। तो मैंगलोर और पुदुरा ही है कर्नाटका में, विशाखापट्टनम है वो आपको पता है आंध्र प्रदेश में। तो अभी इंडिया में बेसिकली तीन है वो एक्टिव फॉर्म में, ये ध्यान रखना, ये तीनों ही एक्टिव फॉर्म में। 2017-18 का जो बजट था इसमें गवर्नमेंट ने दो नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की थी। एक तो था जिसमें चांदी खोल जो कि उड़ीसा में आते हैं, और एक था बीकानेर के राजस्थान में, वहां पे इसको बनाने की बात है वो की गई थी। बट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अभी तक तीन ही एक्टिव फॉर्म है, दो को अभी बनाने की बात हो की जा रही है, अभी तक ये बने नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ये काम कैसे करेंगे। देखो, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इनके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी जहां से भी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वहां से क्रूड ऑयल को लाया जाएगा और वहां पे उसको स्टोर किया जाएगा और इसको काम मैनेज किया जाएगा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल की हेल्प से। तो गवर्नमेंट ने इसे मैनेज करने के लिए जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है SPV, उसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ISPRL। तो ये हमें ध्यान में रखना है, बेसिकली ये डायरेक्टली आता है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे जाना। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम। देखो, हमारे देश में हर साल देख बात करें हम तो लगभग 1.45 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं। ध्यान रखना है तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट का डाटा है, मरने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, मतलब इतने तो रोड एक्सीडेंट होते हैं, फिर मरते और भी ज्यादा है। हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 12.5% जो एक्सीडेंट होते हैं वो तो अकेले इंडिया में ही होते हैं। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात ये दिख रही है कि इंडिया रोड एक्सीडेंट के मामले में नंबर वन पे चल रहा है। अब देखो, इसलिए रोड सेफ्टी भी हमें इंश्योर करनी चाहिए। और बात करें हमारे देश में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें बेसिकली मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 15 से 44 ईयर की एज के जो यूथ आप हो सकते हैं, जो पर्सन है, वो बेसिकली हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और उसकी वजह से रोड दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये हमारे देश में एक मेजर रीजन है रोड दुर्घटना का। तो गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो भी स्टार्टिंग में जैसे किसी ने लर्निंग लाइसेंस वगैरह लेना है तो वो जब भी इसके लिए अप्लाई करे तो उसको वो थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, उसको थोड़ा प्रोग्राम के थ्रू बताया जाए रोड सेफ्टी के बारे में, ताकि रोड दुर्घटनाएं हैं इनको हमारे देश में कम किया जाए।
क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि 2020 तक हमें लगभग 50% रोड एक्सीडेंट है वो कम करने हैं। जैसे कि अभी तक 1.5 लाख हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट का प्लान है कि 2020 तक हम 50% से कम, मतलब लगभग हम 70-75 हजार रोड एक्सीडेंट तक आके निपट जाएं। इसके बाद में धीरे धीरे और भी हमें कम है वो करना है। ये यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम है, ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव, मतलब पीपीपी मॉडल के तहत एक इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें कोलैबोरेशन है डियागो इंडिया और इसी के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन IRTE के बारे में। तो इन दोनों के द्वारा एक कोलैबोरेशन लिया गया है और पब्लिक है उसको भी इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें देखो ये किया जाएगा कि फॉर्मर और जो स्ट्रगल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो रखे जाएंगे जब पहली बार हम ड्राइविंग वगैरह के लिए सीखने जाएंगे या लाइसेंस अप्लाई है वो करेंगे। मतलब हमें गाइडलाइंस वगैरह के बारे में बताया जाएगा, हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान है वो रखना है, हमें इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बताया जाएगा कि जब जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें बताया जाएगा ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस, मतलब सारी इसमें बेसिक डिटेल्स वगैरह दी जाएंगी ताकि रोड एक्सीडेंट को कम करने में हमें काफी हेल्प है वो मिल सके। तो इसलिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया पीपीपी इनिशिएटिव के तहत, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है सौभाग्य स्कीम के बारे में। देखो पहले तो हम सौभाग्य स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। सौभाग्य स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ने सितंबर 2017 में लॉन्च है वो की थी। इसका वैसे पूरा नाम था, वो था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, बट इसे बेसिकली सौभाग्य स्कीम के नाम से ही जाना जाता है। ये देखो इस नाम से तो पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्या है, मतलब हर घर में लाइट है, बिजली है, उसके कनेक्शंस वगैरह लाइट पहुंचाने की बात है वो की गई यहाँ पे। तो हमें ध्यान रखना है कि सौभाग्य स्कीम का इनिशियल मेन मोटो ये था कि हर घर में हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुंचाई जा सके, मतलब जो गरीब फैमिली है वहां पे फ्री में कनेक्शन से लाइट के वो दिए जाएंगे, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहे हो या फिर चाहे अर्बन एरियाज में रह रहे हो। अब इसके लिए देखो जो गरीब लोग कौन है, कौन कौन से उनके क्राइटेरिया, तो उसको यूज किया जाएगा। बेसिकली 2011 में गवर्नमेंट ने सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तरीके से आयोजित किया था। उसका जो रियल डाटा था वो तो खैर गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं रखा है, बट उसी डाटा को यूज करते हुए गवर्नमेंट ये देखेगी कि भाई कौन कौन से लोग हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन की जरूरत है और जो कि गरीब, मतलब बीपीएल या आप बोल सकते हो कि एपीएल लाइन में आते हैं। इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, जो भी पर्सन है जिसको लाइट का कनेक्शन चाहिए उसको स्टार्टिंग में 500 रुपए पे करने होंगे। इसके बाद जो 500 रुपए है वो हर महीने एक तरीके से, मतलब 10 महीनों के अंदर, मतलब हर महीने 50-50 रुपए है वो वापस रिटर्न होते जाएंगे, बिल के अंदर एडजस्ट है वो किया जाएगा। मतलब ऑल ओवर क्या हुआ कि कनेक्शन लेने के लिए आपको 0 रुपीज है वो पे करना होगा। गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और अभी हम बात करें तो हमारे देश में लगभग 4 करोड़ ऐसे घर हैं जहां पे अभी तक लाइट के कनेक्शन नहीं थे, जब ये 2017 में स्कीम थी तब की बात है। तो अभी इसका टारगेट रखा गया था कि भाई दिसंबर 2018 तक एट एनी कॉस्ट इन 4 करोड़ जो घर है जहाँ पे लाइट नहीं है वहां पे लाइट के कनेक्शन है वो सेटअप किए जाएं या उनको अरेंज है वो किया जा सके। तो ये तो थी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसके बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं जो अभी आज की लेटेस्ट करंट है न्यूज है वो क्या है। न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक स्कीम लाई गई है इस सौभाग्य स्कीम के तहत ही। वो स्कीम ये है कि जिन स्टेट ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब विद्युतीकरण कर दिया है अपने एरियाज में, चाहे वो डिस्कॉम में हो या फिर कोई और एरियाज में हो, तो उनको बेसिकली यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि 8 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने जब भी स्कीम लॉन्च हुई थी 2017 में तो इससे पहले उन्होंने 99% इलेक्ट्रिफिकेशन कर रखा था, तो उनको बेसिकली इसमें इंक्लूड वो नहीं किया जाएगा। क्यों? कि भाई उन्होंने तो पहले 99% अचीव कर रखा था जब स्कीम लॉन्च हुई थी उससे पहले, तो उनको अवार्ड देने का क्या मतलब हुआ। जिन स्टेट ने अभी अच्छा काम किया है स्कीम लॉन्च होने के बाद, अवार्ड तो उनको देने चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको अवार्ड है वो देने की भी तहत प्लानिंग है वो की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल, एक छोटी सी न्यूज आई है बेसिकली, ज्यादा इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, वो है जेडी अग्रवाल के बारे में। तो देख लेते हैं। देखो जेडी अग्रवाल एक पर्सन थे बेसिकली जिनका नाम था, वैसे रियल नाम होता स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से इनको जाना जाता था। ये अभी न्यूज में इसलिए है कि अभी इनका निधन है वो हो गया था। ये एक्चुअली गंगा की सफाई के लिए, गंगा को बचाने के लिए उन्होंने काफी सारे प्रयास वो किए थे और अभी रिसेंटली गंगा की सफाई को लेके अनशन पे थे 111 दिन से, तो अभी इनका निधन है वो हुआ, तो उसको लेके न्यूज है वो आई है, तो थोड़ा हमें ध्यान है वो रखना है। बेसिकली जेडी अग्रवाल थे वो 1979-80 का जो दशक था, जो टाइम पीरियड था आप बोल सकते हो, एक साल थी इसमें सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड बना था उसके पहले सदस्य सचिव भी रहे थे। तो ये भी 2-3 फैक्ट थोड़े इंपोर्टेंट हो जाते हैं जिनको हमें एक बार थोड़ा लाइन पे ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी के बारे में। देखो इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी कैंपेन है वो अभी गवर्नमेंट के द्वारा चला गया है। कौन सी मिनिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मिनिस्ट्री वो है फॉरेन मिनिस्ट्री, या बोल सकते हो कि विदेश मंत्रालय, उसके द्वारा स्कीम है वो लॉन्च की गई है। इसमें कोलैबोरेशन भी है, वो है भगवान दास महावीर विकलांग सहायता समिति जो कि जयपुर बेस्ड है। ये एक तरीके से एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इन दोनों के द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट है वो किया गया। अब है क्या इनिशिएटिव, क्यों इसे स्टार्ट किया? देखो गांधी जी की 150वीं जयंती आने वाली अगले साल, तो उसी उपलक्ष्य में गवर्नमेंट का प्लान है कि गांधी जी ने देखो लोगों के लिए काफी अच्छा काम किया था, सोसाइटी के लिए उन्होंने लोगों की हेल्प की थी, गरीब लोगों की। इसके साथ ही महात्मा गांधी जी ने लोगों की काफी सपोर्ट किया, सेवाएं उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। तो उन्हीं नजरों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने चाहा कि क्यों ना प्रधानमंत्री ने जो अच्छे काम किए उसलिए उनको भी सम्मानित किया जाए, या उनकी मतलब उनकी प्रतिष्ठा है उसको बरकरार रखा जाए। इसके लिए उन्होंने इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी कैंपेन स्टार्ट है वो किया है। इसमें होगा ये कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बेसिकली जगह जगह पे शिविर लगाएगी, और उसमें फिर भगवान दास महावीर जो विकलांग सहायता समिति है उसकी हेल्प से जो कृत्रिम अंग है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हम बात करें भगवान महावीर दास विकलांग समिति की, तो देखो बेसिकली 1975 में बनाई गई थी, और इसका सबसे सफल एग्जाम था जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है वो है जयपुर फूट के नाम से इन्हें बेसिकली जाना जाता है। मतलब कृत्रिम जो अंग वगैरह होते हैं उनको बेसिकली प्रोड्यूस करने का काफी अच्छा काम इनके द्वारा किया जाता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी काफी अच्छी प्रतिष्ठा है वो बरकरार है। तो इसीलिए इनके द्वारा सपोर्ट है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। अब है आज का आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अभी रिसेंटली ग्लोबल स्किल पार्क की बात है वो की जा रही थी, तो उसके बारे में दो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, और सही है तो वो बताना भी आपको पूरी इसके बारे में डिटेल। पहला ऑप्शन आपके पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि ग्लोबल स्किल पार्क है वो इंडिया के गुजरात में भी जयंती स्थापित है वो किया गया, मतलब इंडिया में गुजरात के अंदर इसका सेंटर है वो बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी हेल्प से बेसिकली इसको फंड है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, और गलत है तो उसका सही ऑप्शन भी आपको बताना है। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। अब एक बार हम जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में जाना, जिसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली ये प्लान किया कि जगह जगह पे क्रूड ऑयल के रिजर्व बनाए जाएं ताकि जब भी ऑयल की डिमांड हो तो उसको पूरा किया जा सके इमरजेंसी में। इसके बाद हमने जाना कि यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम है वो बेसिकली पीपीपी इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका मेन मोटिव है कि हमारे देश में रोड सेफ्टी को इंश्योर है वो किया जा सके। इसके साथ ही हमने सौभाग्य स्कीम के बारे में जाना जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा भी अवार्ड देने की बात इसमें की गई है। 2017 की स्कीम है जिसका मेन मोटिव यह था कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए लाइट की, सभी घरों में बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली स्कीम में वो आई थी। इसके साथ ही हमने जाना कि जीडी अग्रवाल, जिनको बेसिकली स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाना जाता है, वो गंगा की सफाई को लेकर भी अनशन पे थे, और 111 दिन के अनशन के बाद उनका निधन है वो हो गया। इसके बाद हमने इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी कैंपेन के बारे में जाना जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री का एक कैंपेन है, महात्मा गांधी जी के जो भी सेवाएं थी उनको सम्मान देने के लिए बेसिकली इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, और इसमें जो सपोर्ट किया जाएगा वो किया जाएगा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो कि जयपुर बेस्ड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।